सो हेगा से क्या चाल रहे भाइयों। तो आज हम लोग फिर से एक बार खेल रहे हैं GTA 5 और आज हम लोग फिर से एक बार आ चुके यार माइकल के साथ। और आज हम लोग अकेले माइकल के साथ नहीं खेल रहे हैं भाई, फ्रैंकलिन भी आ रखा है। पहले मैं तुम लोग को फ्रैंकलिन से मिला देता हूँ। तुम लोग यहाँ देखो भाई, फ्रैंकलिन भी यहाँ पे खड़े होके शैंपियन पी रहा है, मैं भी वहाँ पे शैंपियन पी रहा था। और हाँ, मैं तुम लोग को पहले ही बता दूँ, ये हमारी कोई रेगुलर वाली सीरीज नहीं है, ये थोड़ी हटके होने वाली है। तो इस वाली सीरीज के अंदर हम लोग खतरनाक वाली रेस करने वाले हैं, मतलब अलग अलग गाड़ियों से। तो आज हम लोग करने वाले हैं बाइक रेस। और अगर आप लोगों ने इस पे बढ़िया सपोर्ट दिखाया तो मैं बहुत सारी गाड़ियों से, जैसे साइकिल हो गया, बस हो गए, कार्स हो गई, सुपर कार्स हो गई, मॉन्स्टर ट्रक हो गए, सबसे रेस करने वाले हैं, और वो भी अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ। तो अगर आप लोग चाहते हो कि यार मैं ये रेस वाली सीरीज को कंटिन्यू करूं, तो प्लीज यार लाइक जरूर कर देना, मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग को नेक्स्ट रेस भाई किसके साथ देखनी है और कौन सी गाड़ी के साथ। और इस वाले वीडियो पे 5000 लाइक कंप्लीट करा दिए तो मैं इस वाली सीरीज को कंटिन्यू करने वाला हूँ। मतलब इसका कोई नाम तो नहीं है, बस ये रेस सीरीज है। इसके अंदर हम लोग बढ़िया बढ़िया खतरनाक वाली रेस करने वाले हैं, तो मजा बहुत ज्यादा आएगा। और फ्रैंकलिन देख रहे हो यहाँ पे भाई खाने में लगा हुआ है। फ्रैंकलिन तेरा पेट भर गया, बस अब चले क्या यार रेस करने। तो सुबह सुबह भाई मैं सोकर उठा, फ्रैंकलिन मेरे घर पे आ गया। फ्रैंकलिन ने मेरे को पूरा आइडिया दिया। फ्रैंकलिन बोल रहे हैं कि यार जो रेगुलर वाले वीडियोस हैं ना, देखो यार उनको बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, तो तब तक और वीडियोस बनाते हैं यार, थोड़े नए नए आइडियाज़ लेकर आते हैं। तो फ्रैंकलिन ने मेरे को रेस वाला आइडिया दिया और मेरे को बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा है। तो आप लोग भी बताना कि यार ये वाला आइडिया कैसा है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सीधे सीमियोन के कार शोरूम पे, क्योंकि पुरानी गाड़ियों से रेस नहीं होगी भाई, बिल्कुल नई ब्रांड न्यू बाइक लेकर आएंगे, और वो भी ऐसी वैसी बाइक नहीं भाई, सुपर बाइक्स। तो अभी पहले सीमियोन के कार शोरूम पे चलते हैं। और वहाँ कहाँ जा रहा है भाई, पहले फटाफट से बाहर निकल। ओके, तो अभी हम लोग को पहले गाड़ी चाहिए, और अभी हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है, तो पहले फटाफट से इनसे भाई कार छीनते हैं। फ्रैंकलिन जल्दी से बैठ भाई, ज़्यादा टाइम नहीं होगा, बहुत सही। तो अभी हम लोग सीधे जा रहे हैं सीमियोन के भाई कार शोरूम पे, वहाँ से हम लोग दो सुपर बाइक लेने वाले हैं। और अभी कोई नॉर्मल रेस नहीं होगी भाई, सीधे माउंट चिलियार्ड वाली रेस होगी, और जो भी जीतेगा ना वो सीमियोन को फिर गाड़ियों का प्राइस देने वाला है। जैसे अगर फ्रैंकलिन जीता है तो मैं फ्रैंकलिन की बाइक का प्राइस दूंगा और अपनी बाइक का भी दूंगा, और अगर मैं जीतता हूँ तो फ्रैंकलिन देगा। ये डील एकदम सही है, और बहुत बढ़िया बढ़िया रेस आएंगी भाई, तो लाइक जरूर कर देना। तो फटाफट से एक काम करते हैं, पहले सीमियोन के कार शोरूम पे चलते हैं और चल के यार बढ़िया सी सुपर बाइक उठाते हैं। तो अभी हम लोग सीमियोन के कार शोरूम पे पहुंचने वाले, और मैंने यार सीमियोन को पहले ही कॉल कर दिया था, और उसने हमारे लिए बाइक तैयार कर दी है। बस हम लोग को यहाँ से बाइक उठानी है, और अभी उसको प्राइज नहीं देना है, प्राइज हम लोग बाद में देंगे। तो फ्रैंकलिन तू रेडी है ना एकदम रेस करने के लिए? भाई फ्रैंकलिन तो मुझे लग रहा है पहले से ही रेडी है भाई, घर से रेडी होकर ही आया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। वैसे फ्रैंकलिन ना बाइक चलाने में काफ़ी ज़्यादा माहिर है, तो मुझे थोड़ा लग रहा है कि यार ये जीत ना जाए, पर ऐसा होगा नहीं यार, अपना माइकल बहुत हैवी ड्राइवर है भाई, मतलब खतरनाक बंदा है। तो यहाँ तुम लोग देख रहे हो काफ़ी गाड़ियाँ आ रखी है, और फ्रैंकलिन सीमियोन के पास क्या जा रहा है यार, उसने पीछे गाड़ियाँ तो खड़ी करा रखी है। और गाइस तुम लोग यहाँ देख रहे हो भाई, यहाँ पे खड़ी है BMW की 1000 RR, ये बाइक बहुत ज़्यादा प्यारी है। तो मैं तो यार ये वाली बाइक लेने वाला हूँ, ये मेरे को ज़्यादा बढ़िया लग रही है, इसका कलर भी बढ़िया है। यहाँ तुम लोग देखो, और हाँ फ्रैंकलिन मैं तेरे को पहले ही बता दूँ, यहाँ से रेस स्टार्ट नहीं होगी, रेस होगी वुडन फैक्ट्री से स्टार्ट। और एक दूसरे को टक्कर नहीं मारना है भाई, आराम से चलना है, क्योंकि अगर टक्कर मारेंगे तो फिर फायदा ही नहीं है। तो एक काम करते, पहले वुडन फैक्ट्री तक चलते। आ जा भाई, ज़्यादा स्टंट मत कर। ओ भाई स्टंट के चक्कर में भाई गेम मत तोड़ देना, पैसे देने पड़ जाएंगे, अभी तो रेस भी स्टार्ट नहीं हुई है। अबे कहाँ, इधर आ मेरे पीछे पीछे आ जा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी फ्रैंकलिन को पता लग जाएगा कि यार मेरे घर पे आके ना गलती इसने मेरे को चैलेंज कर दिया है, भाई ये रेस तो मैं ही जीतने वाला हूँ। आप लोग कॉमेंट करके बताना है कि यार रेस कौन जीतेगा। वैसे मुझे पता है माइकल ही जीतने वाला है। आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है फ्रैंकलिन। ओ भाई अल्लाह की हीरो बन रहा है, तेरी तो ऐसी की तैसी। आ जा बेटा, माइकल के साथ पंगा नहीं भाई, माइकल बहुत पुराना खिलाड़ी है, तेरे को सिटी में ही पीछे कर देगा। तो मैं काम करता हूँ फटाफट से, मैं बाइक को भगाता हूँ, सीधे चलते हैं भाई हाईवे के साइड जो वुडन फैक्ट्री है, और वहाँ से चल के रेस स्टार्ट करते हैं। फ्रैंकलिन देख रहे हो मेरे पीछे, और बहुत ज़्यादा तेजी से भगाते हुए आ रहा है, पर ये मेरे से आगे नहीं निकल पाएगा। और बाइक की स्पीड गाइस तुम लोग देख रहे हो, बाइक की स्पीड भी बहुत ज़्यादा है। और क्या देख रहे हो भाई, फ्रैंकलिन तो पूरा फॉर्म में आ चुका है भाई, गाड़ी का आगे से टायर उठा उठा के चला रहा है विली मारते हुए। अबे टक्कर नहीं मार फ्रैंकलिन, बार बार मत जाना, कहीं देर को यहाँ से सीधे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़े।
तो अभी यार मैं वुडन फैक्ट्री पहुंचने वाला हूँ। फ्रैंकलिन को मैंने काफी ज्यादा पीछे छोड़ दिया है भाई। वो बंदा ना बाइक तो बहुत ज्यादा तेज चलाता है पर वो अभी मेरे से काफी पीछे रह गया है। तो रेस ना यहाँ से स्टार्ट होगी। मैं पहले आ चुका हूँ भाई वुडन फैक्ट्री पे और मैं माउंट शिल्याड भी पहले ही पहुंच जाऊंगा। तुम लोग मेरी बाइक की हालत देख रहे हो यार, बाइक की हालत खराब तो काफी ज्यादा हो गई है। फिर कोई दिक्कत की बात नहीं यार, जीतने के बाद मैं इसको रिपेयर करा लूंगा और पैसे तो फ्रैंकलिन को ही देने पड़ेंगे। और कहाँ रह गया भाई ये बंदा, अभी तक नहीं आया। मैं यहाँ कब से खड़ा हूँ यार भाई, हद है। साइकिल चला रहा है या बाइक चला रहा है कुछ नहीं पता भाई, कितनी देर में आएगा। तो अभी यहाँ पे फ्रैंकलिन आ चुका है और फ्रैंकलिन यार रास्ता ही भूल गया था। फिर मैंने इसे कॉल करके यहाँ बुलाया और देख रहे हो इसने हेलमेट वगैरह पहन लिया है। फ्रैंकलिन तू रेडी है ना रेस के लिए? भाई मैं तो यहाँ पे रेडी हूँ। तो भाई 3 बोलते ही आगे चल रहे हैं और माउंट शिल्याड का जो एकदम टॉप है ना, वहाँ जो पहले पहुंच जाएगा सिमियन को वही पैसे देने वाला है। रेस बहुत ज़्यादा सिंपल है पर रास्ता सिंपल नहीं है, गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा संभल के जाना पड़ेगा। तो फ्रैंकलिन ठीक है, जैसे मैं 3 बोलूँगा 1 2 3 करूँगा, 3 बोलते ही भागना है। पर बहुत ज़्यादा तेज मत चलाना भाई, नहीं तो कहीं हॉस्पिटल ले जाना पड़े। चलो ठीक है गाइस रेस स्टार्ट करते हैं। अबे आगे नहीं जा, आगे मत जा। चल ठीक है 1 2 और 3 आ जा भाई, देखा जाएगा इस जो का भी देखा जाएगा। ओ भाई किसी को मैंने फ्रैंकलिन पहले ही मना किया था चीटिंग नहीं करनी है। फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, तू आगे से निकल जा। फ्रैंकलिन मेरे को टक्कर मार के गया है गाइस, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। वो देखो वो आगे से आ रहा है और मैं यहाँ से शॉर्टकट मार के जाऊँगा, मुझे सारे रास्ते याद है। फ्रैंकलिन तू आगे निकलेगा, मैं तेरे से भी आगे निकल जाऊँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है गाइस। फ्रैंकलिन का मेरे को दूर दूर तक नज़र ही नहीं आ रहा है भाई, मुझे लग रहा है वो भटक गया या तो कहीं और निकल गया, क्योंकि बाइक तो वो इतनी तेज भगा रहा है, बहुत ज़्यादा तेज। तो अभी मेरे को यहाँ से ऑफ रोडिंग करनी है। तो गाइज मेरे को नहीं पता फ्रैंकलिन मेरे को कहीं दिखाई तो नहीं दे रहा है। अच्छा यार मेरे को बस फटाफट से माउंट शिल्याड पहुँचना है और मेरे को इस रेस को जीतना है। मैं यहाँ से शॉर्टकट मारने वाला हूँ क्योंकि बाइक के अंदर ना बहुत ज़्यादा दम है भाई, बाइक ना रुकने वाली नहीं है भाई, खड़े पहाड़ पर चढ़ जाएगी। तो आराम से रेस जीत जाऊँगा भाई मैं आराम से। बस अभी देखते हैं कि फ्रैंकलिन कहाँ पे, मैं एक बार उसको पीछे मुड़ के देखूँ क्या। एक सेकेंड, वो कहीं से कहीं तक मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है भाई, कहाँ रह गया मेरे को नहीं पता। मैं थोड़ा और ऊपर चलता हूँ और फिर मैं ना उसे आराम से फ़ोन करके पता करूँगा कि वो रह कहाँ गया है। तो अभी मैं रुक कर यार नीचे फ्रैंकलिन का इंतज़ार कर रहा था, पर अभी भाई फ्रैंकलिन ने बताया कि वो मेरे से ऊपर पहुँच गया है भाई, पता नहीं कौन से रास्ते से गया है। और एक सेकेंड भाई मेरी बाइक स्लिप हो गई और मेरे को जल्दी से ऊपर जाना पड़ेगा, नहीं तो ये रेस तो मैं हार नहीं वाला हूँ। ओके तो अभी मैं ट्रैक पे तो आ चुका हूँ, पर यार ये चढ़ाई ना बहुत ज़्यादा खतरनाक है भाई। फ्रैंकलिन मेरे को नहीं पता कि मेरे से कितना ऊपर है, मेरे को जाके देखना पड़ेगा। और मेरे को बाइक को बहुत ज़्यादा आराम से चलाना है क्योंकि इस बाइक के अंदर ना बहुत ज़्यादा पावर है। 50 की स्पीड से अगर मैं ज़्यादा जाता हूँ ना तो भाई मैं नीचे गिर जाऊँगा। ओके तो मेरे को माउंट शिल्याड का टॉप अभी नज़र आ चुका। और ये भाई वापस क्यों जा रहा है तू, फटाफट से ऊपर चल भाई, वापस क्यों जा रहा है मेरे को नहीं पता, ये शायद मेरे को देखने आ रहा होगा। और भाई जल्दी अभी आगे से हटो यार, तुम्हारे वजह से मैं रेस हार जाऊंगा। और यहाँ ओ भाई जल्दी के चक्कर में मुझे लगा उसने पहाड़ से नीचे गिरा दी। अबे आराम से चला लेनी तो ऊपर जाने के चक्कर में तू डायरेक्ट ऊपर ही चला जाएगा। और ये रेस तो मैं हारने वाला हूँ भाई, ये रेस तो पक्का मैं हारने वाला हूँ। बाइक चलाना माइकल के बस की बात नहीं है, और वो भी ऐसे खतरनाक रास्तों पे। सो गाइस तुम लोग ऊपर देख रहे हो यार, फ्रैंकलिन अभी मेरे से पहले ऊपर पहुंच चुका है और इस रेस को भी फ्रैंकलिन ने जीत लिया। और एक सेकंड, ओ भाई 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 भाई, एक सेकंड तुम लोग वहाँ देख रहे हो नीचे फ्रैंकलिन भी जा रहा है बहुत ज़्यादा तेजी से और मैं उसके पीछे ही हूँ। मैं अभी गलती से गिर गया भाई, पता नहीं अभी कहाँ पहुँचूँगा मैं और फ्रैंकलिन कहाँ पहुँचेगा। बस मैं बाइक को भगाते जा रहा हूँ भाई, स्पीड देख रहे हो तुम गाइस। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा तेजी से भाई नीचे आ चुका हूँ और भाई ब्रेक लगाने पड़ेंगे नहीं तो मेरी गाड़ी बहुत ज़्यादा खतरनाक तरीके से टूट जाएगी। सो गाइस माउंट शिल्याड से डायरेक्टली नीचे आ चुके हम लोग भाई, बाइक कंट्रोल ही नहीं हुई। और फ्रैंकलिन भाई, फ्रैंकलिन कहाँ पे है? ओ एक सेकंड, वो देखो वहाँ से प्लेट चला रहा है। फ्रैंकलिन पक्का वहीं पर होगा, उसको पता होगा कि यार मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, उसे लग रहा होगा कि मैं माउंट शिल्याड पे हूँ। पर मैं भी भाई गलती से नीचे आ चुका हूँ और ये रहा फ्रैंकलिन। सो गाइस इस रेस का विनर है भाई फ्रैंकलिन। वैसे मैं जीतने वाला था पर छोटी सी गलती की वजह से
भाई मैं नीचे गिर गया और मैं रेस नहीं जीता, और तुम लोग यहाँ देखो एक छोटी सी रेस को जीतने में इतना खुश हो गया कि भाई डांस कर रहा है। भाई फ्रैंकली इतना खुश मत हो, आगे हम लोग और भी बहुत सारी रेस करने वाले हैं और उन सबको तो अपना माइकल ही जीतने वाला है। बाकी यार देखो आज तो हम लोगों ने बाइक रेस की है, हम लोग लॉस सांटोस के अंदर जितनी भी गाड़ियां ना गेम के अंदर, चाहे वो ट्रक हो, बस हो, शिप हो, साइकिल हो, मतलब हर एक चीज से रेस करने वाले हैं, वो भी अलग अलग कैरेक्टर से, जैसे लेस्टर हो गया, अमांडा हो गया, ट्रेसी हो गया, हर एक कैरेक्टर से हम लोग रेस करेंगे। बस आप लोग कमेंट करके बताना कि कौन से कैरेक्टर से और कौन से व्हीकल से रेस करनी चाहिए। इंडियन कार से भी करने वाले हैं और सुपर कार से भी। और यहाँ भाई कौन सा डांस चल रहा है भाई, इतनी ज़्यादा खुशी, फ्रैंकलिन को कुछ ज़्यादा ही खुशी हो गई है। बाकी यार अभी मेरे को बाइक को लेकर सीधे सीमी उनके कार शोरूम पे जाना होगा, वहाँ जाके मेरे को गाड़ियों का पेमेंट करना है। और भाई रेस हार गए, भाई थोड़ा नुकसान तो हो गया है, ये बाइक इतनी सस्ती भी नहीं है। अभी मेरे को जाके सीमियन को पैसे तो देने पड़ेंगे। फ्रैंकलिन तेरे से बदला तो मैं लेकर रहूँगा, देख रो भाई क्या भगा रहा है गाड़ी। पर भाई ये रोड पे मेरे को पीछे नहीं कर सकता, वो तो ऑफ रोडिंग व्हीकल नहीं कर पाया बाइक से। अगर सुपर कार होती ना तो मैं इसे कब का पीछे छोड़ देता। भाई कैसे चला रहा है यार, ये ठोक वोक के मेरे को मरवाएगा क्या। भाई आराम से चला ले फ्रैंकलिन, अभी तो रेस खत्म हो चुकी है। बाकी फटाफट से सीमियन के कार शोरूम पे चलते हैं, चल के यार बाइक का पेमेंट करते हैं और इस वाले वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को पसंद आए, अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक शुरू कर देना, कमेंट करके यार जरूर बताना कि आप लोग को ये वाला वीडियो कैसा लगा। बाकी मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।